गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो आज है होली, तो सुबह हमने होली खेली है। आप हमारे मोहल्ले में होली मिलन समारोह रखा गया है, तो हम लोग बस वहां जाने वाले हैं और वहां कुछ हो रहे हैं प्रोग्राम। तो क्या क्या होता है ये बने रहिए मेरे साथ। तो हमारे मोहल्ले के सभी वरिष्ठ नागरिक, पटले अंकल, मांडवे अंकल और सीजन अंकल और बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी। देखिए कैसे दी, क्योंकि आई है ये हम सबको एक साथ लेकर। आप सभी को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मथुरा की खुशबू गोकुल का है, वृंदावन की सुगंध और बरसाने की फुहार, राधा की उम्मीद काना का प्यार, आप सभी को मुबारक हो होली का ये त्योहार। तेरी बाहों में किसी की कराह पर तेरे ये जालिम क्या कहे, मुझको रुलाता छोड़ते आज तेरी बाहों में खोदी जो तूने कब्र में, रात की सुहाग से खोदी। जमाना बीच में आया तो जमाने से भिड़ गए और आप कहे ज्यादा। तो क्या होता है, लड़कियां अपना सब कुछ बता देती है, घर लड़ भिड़ के जब हम ससुराल क्या होता है कि आप रात भर की शादी रीति रिवाज चले हैं तो आप अगले दिन जाके थोड़ा सो जाते हैं, और अगर कहीं देर से आँख खुल गई तो भैया तो राजा बाबू है, कोई बात नहीं चलेगा थोड़ा देर से उठे। बट लड़की के लिए क्या होता है, लड़ भिड़ के जब हम ससुराल पहुँचे जरा आँख क्या लगी तो थोड़ा देर से उठे, हमारे संस्कारों पर सवाल उठ गए और आप कहते हैं इसमें क्या है। हमारे संस्कारों पर हम अपने पिता के सर का ताज थे, आप अपने डैडी का नाज थे, आप पढ़े लिखे नवाब बन गए, आप पढ़े लिखे कर नवाब बन गए, हमसे खीर ना बनी तो हम खराब हो गए। आप पढ़े लिखे कर नवाब से निकलेते हम सिंदूर कुमकुम बिंदिया खरीदती मिलोगी तुम, या किसी प्यारी सी साड़ी में सिमटती लाज से पर बदलती रंग भरी तस्वीर का पहलू ये था। और ना तो इस बीमार घर में होंगी मेरी हुज्जत, परवान चढ़ गए जहाँ नीलाम गई हो इज्जत। आया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते, कभी धनवान है कितना। गाइस यहाँ पे सभी मोहल्ले में जो नए लोग आए हैं उनका इंट्रोडक्शन हो रहा है। ये भैया लोग भी बाहर से सब आए हुए हैं,
तो सब लोग मोहल्ले वालों से अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि उन्हें यहाँ पे रह के इतने सालों में कैसा लगा, क्योंकि ये कुछ समय बाद इन लोगों का ट्रांसफ़र हो जाएगा तो वो लोग चले जाएंगे, इसीलिए वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे कि उन्हें हमारे साथ होली मना के कैसा लगा। तो वो लोग बहुत ही खुशी जाहिर कर रहे थे, उनको हमारा मोहल्ला बहुत ही अच्छा लगा। से है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चल रहा है, अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा हम भी अपने घर चले जाएंगे। बट ये है कि राजस्थान में मेरा माहौल अलग था, यहाँ पे माहौल। तो इसी तरीके से सबने बाहर से हुए लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की और सबको कपल वाइज खड़ा किया गया था कि फ़ोटो निकाली गई, ग्रुप फ़ोटोज़, और सबने इसके बाद में एक दूसरे से मिले और खाना भी खाना शुरू हो गया है। तो देखिए खाने में पूड़ी, पापड़, रायता, सेवई की खीर, मटर पनीर की सब्ज़ी, चटनी, चावल, दाल और मीठे में थी जलेबी। तो इस तरीके से बहुत अच्छा खाना था। तो ऐसी रही हमारी पार्टी। तो जिसने भी मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर ले।